वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 16 फरवरी 2023 और 16 फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है तो अभी पंद्रह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल पंद्रह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है अच्छा ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो अभी एक फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये एक फरवरी को मनाया गया दो फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया सात फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये दो इम्पोर्टेंट डे ग्यारह फरवरी को मनाए गए बारह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया और तेरह फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया तो फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेकिन टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दो दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है तो अभी गुजरात की विधानसभा में हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने दो दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है अब गुजरात विधानसभा में किया है तो यह है मैप में गुजरात गुजरात की कैपिटल क्या है गांधीनगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है आचार्य देवव्रत अच्छा अभी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है पशुओं के लिए भारत के पहले आई मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक पारित किया अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में भारत का सबसे बड़ा पवन टर्वाइन स्थापित किया गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है जल जीवन मिशन के तहत शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है बारहवां डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ और गुजरात का मुंडेरा भारत का पहला ट्वेंटी फोर बाई सेवन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है अच्छा गुजरात में गेरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉन्स के लिए फेमस है सरदार सरोवर डैम है नल सरोवर लेक है थूल लेक है कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयर बस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है तो एयर इंडिया ने फ्रांस की कंपनी एयर बस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब फ्रांस तो ये है मैप में फ्रांस फ्रांस की कैपिटल क्या है पेरिस फ्रांस की करेंसी क्या है यूरो और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है इमेनुअल मैक्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है तो जमी हुई लेक यानी कि झील पर मैराथन की मेजबानी पहली बार लद्दाख कर रहा है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब लद्दाख कर रहा है तो ये है मैप में लद्दाख अच्छा अभी लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा इनका नाम आप याद कर लीजिए ये अब लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं अच्छा अभी यायात्सु को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को जी टैग मिला है लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया और छब्बीसवीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लेह में शुरू हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हुआ है वे कौन थे तो जावेद खान अमरोही एक अभिनेता थे इनका अभी निधन हो गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये थे जावेद खान अमरोही इन्होंने लगान जैसी फेमस मूवीज में काम किया था और अभी इनका निधन हो गया है तो इनका नाम आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है तो पीएम श्री योजना इसको लागू करने का फैसला अभी महाराष्ट्र सरकार ने किया तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है मुंबई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है एकनाथ सिंधे और अभी महाराष्ट्र के भी नए गवर्नर बने हैं रमेश बैस अच्छा पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर रहा और कल ही मैंने आपको बताया कि ये पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये कहाँ पे हुए ये मध्य प्रदेश में हुआ है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया और फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है अच्छा ये क्या है पीएम श्री योजना तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसकी फॉर्म है इसके तहत देश भर से अलग अलग जगह से स्कूलों का चयन किया जाएगा और फिर उनको नई शिक्षा नीति के तहत मॉडिफाई किया जाएगा पहले से जो स्कूल हैं उन्हीं में से स्कूल सेलेक्ट किए जाएंगे फिर उनको मॉडिफाई किया जाएगा नेक्स्ट ने क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेस केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में बेस केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया ये जो नए थाने हैं ये घूमने के स्थल और विशेष करके जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे हैं तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब आंध्र प्रदेश तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या बनी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है जगन मोहन रेड्डी और अभी आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं जस्टिस अब्दुल नजीर कौन जस्टिस अब्दुल नजीर अच्छा आंध्र प्रदेश ने नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्चपैड श्री हरिकोटा में स्थापित किया इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्री हरिकोटा से किया आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए आईएएफटी परिसर का उद्घाटन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है तो अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब अमेरिका तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन अमेरिका ने तेईस साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकॉर्थी चुने गए हैं अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विभाग कानून पर हस्ताक्षर किए हैं अच्छा इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रफ वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास है हाल ही में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अच्छा अभी मुंबई में काला घोड़ा कला उत्सव मनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है तो पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई -पे लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है यूपीआई लाइट फीचर में क्या है आप कम रुपए यानी कि कम अमाउंट तक का पेमेंट कर सकते हो अब पेटीएम पेमेंट बैंक बना है तो पेटीएम के बारे में कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया पेटीएम ने अभी जे की थीम पर बेस्ड क्यू क्यूआर कोड लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अभी हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये राष्ट्रपति की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया है अब हरियाणा तो ये है मैप में हरियाणा हरियाणा की कैपिटल क्या है चंडीगढ़ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर कौन है वंडारू दत्तात्रेय अभी छत्तीसवां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हरियाणा की क्रिकेट बदिर टीम ने टी ट्वेंटी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया और इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब उत्तर प्रदेश तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है गोमती नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारासिंगा राजकीय पच्ची है सारास्य क्रोच राजकीय पुष्प है पलास और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के सातवें संस्करण की मेजबानी करेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है अच्छा उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पेलीभीत टाइगर रिजर्व है नए क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा तो अभी कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहा मार वर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है तो अभी इक्वेटोरियल गिनी में मार वर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है मारबर्ग वायरस ये इबोला वायरस की तरह है इसमें रक्त स्राव वाला बुखार आता है इक्वेटोरियल गिनी में इसकी पुष्टि हुई है अब इक्वेटोरियल गिनी तो यह है मैप में इक्वेटोरियल गिनी इसकी कैपिटल क्या है मलाबो इसकी करेंसी क्या है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और इसकी प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है मैनुएल्ला रोकाबोटे ये अभी इक्वेटोरियल गिनी की नई प्रधानमंत्री बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली जे ट्वेंटी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई है तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नेकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं तो अभी साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं नेकोस क्रिस्टोडोलाइट्स तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेफ फूड शो का तेईसवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई -E एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज के इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेद विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग